hello everyone i hope you all are doing well so dear students in today's class of learn with nishman we are going to do about section 7 and 33 of negotiable instruments act 1881 section 7 and 33 is related about bill of exchange only in last session we discussed and we started अबाउट बिल ऑफ एक्सचेंज जिसमें मैंने आपको अच्छे से मीनिंग समझाया विद एग्जाम्पल एंड विद डिस्कस सम असेंशियल पॉइंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ये टॉपिक आपको तभी क्लियर होगा इफ़ यू वॉच दैट प्रीवियस वन सो दैट्स वाई ऑन द टॉप यू कैन सी द सेशन फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड वॉच दैट वट इज़ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड आफ्टर दैट दिस सेशन इज अबाउट अक्सेप्टेंस ऑफ दिस बिल्स जब एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है तो जो पार्टी इसको ड्रॉ करती है सबसे पहले ड्रॉ कौन करता है क्रेडिटर ही ड्रॉ करता है जिसने अपना सामान क्रेडिट पर बेचा है किसको द डेटर को जिसने क्रेडिट पे सामान लिया है तो जब इस क्रेडिटर ने उस बिल को बनाया तो ये जब इस पर्सन को देगा इस पर्सन को मीन्स डेटर को उस बिल को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है जब वो उसको एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर लेगा तभी क्या होगा ये माना जाएगा नाउ इट बिकम अ लीगल डॉक्यूमेंट एंड यस इसपे अपने साइन भी डेटर ने कर दिए तो इसका मतलब ये है कि उसने इसको लीगली एक्सेप्ट कर लिया है और उसने मान लिया है कि हाँ, मैंने क्रेडिट पर इस पर्टिकुलर पर्सन से सामान खरीदा है. और कल अगर वो पेमेंट नहीं करेगा तो क्रेडिटर के पास राइट है ऑन दैट बेसिस ही कैन स्यू दैट सो

defines a सेप्टर और इसमें क्या बोला गया है आफ्टर द drawee ऑफ बिल हैज साइंड हिज एसेंट ड्रॉई कौन है जिस पर ये बिल बनाया गया है जैसे मैंने आपको बताया एक पार्टी क्रेडिटर है और एक डेटर है जिसने सामान किश्तों पर खरीदा है क्रेडिट पर खरीदा है वट एवर द रीज़न इज तो जब ये क्रेडिटर बिल बनाकर डेटर को देगा तो इस डेटर को अपनी क्या देनी है एक्सेप्टेंस देनी है और ये पर्सन जो बिल बनाता है इसको हम बोलते हैं ड्रॉयर और जिस पर बिल बनाया गया है उसको हम बोलते हैं ड्रॉई तो ये ड्रॉई जो है इसको उस बिल पर सी जब वो बिल बना के देगा उस बिल पर अपना साइन करना है कि यस भाई मैं अपनी असेंट दे रहा हूँ और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मुझे तुम्हें ये पे करना है इतने टाइम बाद ड्रॉई ऑफ बिल हैज साइंड हिज एसेंट अपॉन द बिल और इफ देयर आर मोर पार्ट्स देयर ऑफ देन वन अपॉन सच ऑफ पार्ट्स मीन्स या तो उस पूरे बिल पर साइन करें या अगर वो बिल कुछ कुछ पार्ट्स में बना हुआ है सपोज कीजिए उसका हाफ पार्ट इधर है बहुत सारे पेजेज हैं वो सब अटैच है तो एक पर भी साइन करके मान लिया जाता है कि उसने सब एक्सेप्ट कर लिए एंड देन ही डिलीवर द सेम और उसने ये जो साइन करके डिलीवर किसको कर दिया वापस किसको दिया ड्रॉयर को और गिवन नोटिस ऑफ सच साइनिंग या फिर अपना बता दिया हा मैंने आपके बिल पर साइन कर लिए हैं सम पर्सन ऑन बिहाफ कि मैं आपको पे करूंगा या आप जिसको भी कहोगे मैं उसको पेमेंट कर दूंगा तो ये पर्सन साइन करने के बाद ड्रॉ ही क्या बन जाता है एक्सेप्ट मीन्स कि मैं इस पेमेंट को पे करने की ये बात को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं ये असेंट देता हूँ कि इतने टाइम आने के बाद मैं आपकी पेमेंट कर दूंगा मैं अपनी लाइबिलिटी को पूरे तरीके से मानता हूँ और मैंने ये इस चीज़ के लाइबल भी रहूँगा जब तक आपके पैसे नहीं दूँगा तो ये कौन बन गया एक्सेप्टर तो डेटर ड्रॉई एक्सेप्टर ये तीनों पर्सन एक ही हैं ओके डियर स्टूडेंट्स डोंट गेट कंफ्यूज ये तीनों पर्सन एक ही है नेक्स्ट थिंग इज दस जैसे ही एक्सेप्टेंस मिली उस चीज़ की इट इज टू बी मेड बाय साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट एंड बाय डिलीवरिंग दैम जैसे ही आपने एक्सेप्टेंस दे दी साइन कर दी उसको तुरंत ड्रॉयर को डिलीवर कर दो ये लोग प्रूफ मैंने साइन कर दिए एंड टू मेक अ पर्सन बींग बाउंड अगर आपको उस पर्सन को बाउंड रिस्पॉन्सिबल ठहराना है मतलब अगर कल उस वो पैसा चुकाता नहीं है तो क्रेडिटर अगर उस पर्सन को रिस्पॉन्सिबल दिखाना चाहता है या उसके खिलाफ केस फाइल करना चाहता है तो इसके लिए माई डियर स्टूडेंट एक्सेप्टेंस फ्रॉम दैट पर्सन शुड बी देयर एंड इट इज मैंडेटरी उसको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा ऐसे तो भैया कोई भी किसी के नाम पर बिल बना दे इसने मेरे इतने पैसे देने हैं नहीं वो दूसरे पर्सन उसपे साइन भी करे और एसेंट एस दे दे हाँ मैं आपकी लाइबिलिटी को मानता हूं तो आप उसके साइन के प्रूफ पर और उसकी एक्सेप्टेंस के प्रूफ पर इसको लेकर जा सकते हो एंड दिस एक्सेप्टर इज द ड्रॉई जनरली ड्रॉई ही होता है मैंने अभी आपको जस्ट बताया थ्रू एन एग्जाम्पल अब आते हैं हम नेक्स्ट थिंग पर दैट व्हाट इट सेज़ सेक्शन थर्टी थ्री के बारे में ये क्या बताता है ओनली ड्रॉई कैन बी एक्सेप्ट एक्सेप्ट इन केस ऑफ नीड एज आई टोल्ड यू कि जो ड्रॉई होता है वही एक्सेप्टर होता है क्यों भैया उसी ने जब क्रेडिट पर सामान उसी ने ही खरीदा है सामान को यूज वही कर रहा है तो क्रेडिटर तो उसे ही कहेगा ना ड्रॉई मतलब साइन करने के लिए उसे ही कहेगा और उसको ही अपनी लाइबिलिटी माननी भी पड़ेगी उसके बिहाफ़ पर कोई और थोड़ा मांग सकता है तो इसीलिए वही लाइबर सेक्टर होता है बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन दी गई इन केस ऑफ नीड नीड कैसी हो सकती है सपोज करो उस एक्सेप्टर की डेथ हो गई हो या वो डिजीज हो गई हो उसे कोई सिक हो गया हो तो इन केसेस पर उसके लीगल रिप्रजेंटेटिव भी उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं अब सेक्शन थर्टी थ्री हमें यही बताता है ध्यान से सुनिएगा दैट नो पर्सन एक्सेप्ट द ड्रॉई ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब ड्रॉई ऑफ एक्सचेंज दिस बिल का जो ड्रॉई होता है जिसके नाम पर बिल बनाया जाता है उसको छोड़कर किसी भी पर्सन के पास ये अथॉरिटी नहीं है या कोई भी पर्सन या ऑल और सम ऑफ द सेवरल ड्रॉईज योर पर्सन नेम दे रही है, जिसका भी नाम लिखा है भाई इसने मेरे से इतना पैसा लिया था सपोज क्रेडिटर जब बिल बनाता है तो उसी में ही नाम लिख देता है दिस पर्सन टू गुड्स और सर्विस ऑन क्रेडिट फ्रॉम मी तो जो नेम लिखा है इनकेस ऑफ नीड सिर्फ नीड की टाइम को छोड़ के और एक्सेप्टन बाइंड हिमसेल्फॉर एक्ट कोई भी एक्सेप्टेंस uh, के लिए बाइंड नहीं हो सकता सिर्फ वही पर्सन बाइंड रहेगा सेक्शन थर्टी थ्री हमें यही क्लियर बताता है सो एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्ट कर सकते हैं तो ड्रॉई या फिर बहुत सारे ड्रॉइज हैं तो ऑल या सम मीन्स सारे कुछ लोगों ने मिलकर सामान क्रेडिट पर खरीदा है या तो सब एक्सेप्ट करें या उनमें से कुछ कर लें इट डजेंट मैटर या फिर ड्राइ इन केस ऑफ नीड एज आई टोल्ड यू सिर्फ एक्सेप्टेंस इन केस ऑफ नीड नीड क्या हो सकती है ड्यू टू डेथ ड्यू टू सिकनेस ड्यू टू एनी अदर रीजन ऑफ नेसेसिटी एंड एन एक्सेप्टर फॉर ऑनर Honor जो करता है बिल जो पे करता है उस टाइम पर सो so, चीज याद रखिएगा तो हमें ये क्लियर दिखाता है कि सिंगल पर्सन ड्रॉई हो ये जरूरी नहीं है दो चार लोग मिलकर भी कोई सामान अगर किसी से खरीदने जा रहे हैं तो ज्वाइंटली ड्रॉइज बन गए और किसी एक के नाम पर भी बिल बन सकते हैं सबके नाम पर इट डिपेंड्स Now next thing dear students you should know is very very necessary that limitation in case of promissory note and bill of exchange। jab bill of exchange banta hai to promissory note बनता है वो कितने time period तक valid रहता है limitation period क्या है? अब suppose करो एक person अपने पास bill इतने सालों से रखा हुआ है वो यूज ही नहीं कर रहा है अपना पैसा ही नहीं निकलवा रहा है तो उसका एक लिमिटेशन पीरियड तो कुछ दिया होगा ना हमें इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में और ये बहुत ज़रूरी है इसको रीड कीजिएगा इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके जुडिशियल एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो इसमें क्या बोला गया है दैट द सूट फॉर रिकवरी ऑफ द अमाउंट अगर किसी पर्सन को सूट फाइल करना है सपोज उसका पैसा जो uh, ड्रॉइज है या फिर जिसके बिहाफ पर ये uh, प्रोमिसरी नोट बनाया जाता है मेकर बनाते हैं ना तो मेकर अगर पैसा नहीं देता है ड्रॉई नहीं देता है तो उनके खिलाफ अगर सूट करना है फॉर द रिकवरी ऑफ अमाउंट इन केस ऑफ प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज इट शुड बी फाइल विद इन थ्री ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच द कॉज ऑफ एक्शन अरोज मीन्स आपको तीन साल के अंदर अंदर केस करना है और वो एक्शन अरोज मतलब कि ये नहीं जिस दिन से पैसा ले रखा है उसके तीन साल बाद नहीं सपोज कीजिए जो प्रोमिसरी नोट बना था वो थ्री मंथ्स का बना था और थ्री मंथ्स के बाद जाता है आ, कौन आ, आ, जो पैसा जिसने लेना क्रेडिटर मेकर के पास भैया मेरा पैसा लौटा तीन महीने हो गए और वो तीन महीने बाद कहता है आई विल नॉट पे योर मनी या फिर मैं नहीं दे रहा हूँ जाओ या तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया वट एवर बी द रीज़न इज तो वो नहीं देता जो ये थ्री मंथ्स के बाद डेट आई है ना डियर स्टूडेंट्स इस थ्री मंथ्स के बाद से वाली जो डेट है उससे थ्री ईयर्स काउंट होंगे उस दिन से नहीं होंगे जिस दिन वो नोट बना है जबकि जिस दिन वो पैसा लौटाने से मना कर रहा है दैट डे टिल द थ्री ईयर्स डेट्स ओके सो थ्री ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच द कॉज ऑफ एक्शन अरोज आई होप आपको एक लाइन अच्छे से समझ में आई है नेक्स्ट इज वेन पेमेंट बिकम्स ड्यू अब जब पेमेंट ड्यू हो चुकी है कि अब तीन महीने का टाइम पीरियड ओवर हो गया है और तीन महीने बाद ड्यू पीरियड आ गया आज पेमेंट करनी है तो कॉज ऑफ एक्शन कमेंटिस उस दिन से कॉज ऑफ एक्शन कमेंस होता है नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ दैट प्रॉमिसरी नोट इज मेड रिमेंबर दिस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट

इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है जिस दिन उसको किया जाता है पे करने के लिए कि भैया ये तुम्हारा बिल था टाइम हो गया या मैं ऑन डिमांड आपसे पैसा मांग रहा हूँ दीजिए मेरा पैसा तो उस दिन से राइट सो विद दिस डे स्टूडेंट वी कंप्लीट दिस सेक्शन सेवन एंड थर्टी थ्री डिस्कस टूडे आई होप यू अंडरस्टूड वेल if you still have any doubts or you want to clarify your objections with me you can mail us on this mail address gmail.com. you can follow on telegram on instagram we are also available there